कल जवान देख के आया, मेरे को जवान का जोश चढ़ गया है। जवान का जोश चढ़ गया है। हजार से ऊपर फैंस यहाँ है, लेकिन पुलिस लाठियां भांज रही है। जैसे ही लाठियां रुक जा रही है, वैसे फिर फैंस वापस चले जा रहे हैं। आप खुद ही देखिए पुलिस किस तरह से माइंड ब्लास्टिंग। द मूवी वाज आउटस्टैंडिंग। कितना कमा लेगी? 1000 करोड़ से। बेटे को हाथ लगाने से पहले पाप से बात कर। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्लॉग। जवान रिलीज हो चुकी है और 200 से ऊपर कमा चुकी है 3 दिनों में। देखे हम हैं शाहरुख खान के घर मन्नत के पास, हमारे पीछे की भीड़ आप शाहरुख खान का क्रेज देख सकते हैं। तो चलिए जानता हूँ लोगों से क्या रिव्यू है, क्या चीजें हैं। तो आप भीड़ देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मैं यहाँ पर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर हूँ। आप पीछे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। और भीड़ का आलम यह है कि पुलिस अटारी हटने का नाम नहीं ले रही है। उसके अलावा आप पीछे की भीड़ खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो शाहरुख भाई का क्रेज पूरे इंडिया में बिल्कुल अलग ही है, यहाँ तक कि विदेशों में शाहरुख। उसके अलावा आप शोर सुन सकते हैं, शोर किस तरह का यहाँ का है। ये देखो एकदम जवान का सुपर फैन मिला है। भाई ऐसे काहे घूम रहे हो? मैं कल जवान देख के आया, मेरे को जवान का जोश चढ़ गया है। जवान का जोश चढ़ गया है, इसलिए मैं जवान। जवान कितना कमा लेगी? अरे वो उसकी गिनती नहीं होती है, गिनती नहीं होती। डाई हार्ड फैन हो भाई? एकदम शाहरुख सलमान खान के, सलमान खान की तो लगने लगा देता हूँ। अच्छा किधर जा रहे हो तुम? तो दोस्तों शाहरुख खान के लिए इस कदर दीवानगी। और जवान भी रिलीज हुई है, देखिए हजार से ऊपर फैंस यहाँ है, लेकिन पुलिस लाठियां भांज रही है। जैसे ही लाठियां रुक जा रही हैं, वैसे फिर फैंस वापस चले जा रहे हैं। आप खुद ही देखिए पुलिस किस तरह से लाठियां भांज रही है, क्योंकि रोड जाम हो जा रहा था तो पुलिस की भी मजबूरी थी। लेकिन आप लोग शाहरुख खान का क्रेज देख लीजिए, हिंदुस्तान में किसी का ऐसा क्रेज नहीं जैसा शाहरुख खान का है। कि आप भीड़ जो देख रहे थे, पुलिस ने लाठी मारकर भगा दिया है, इसलिए यहाँ पर भीड़ बिल्कुल खाली हो गई है। तो जवान को देखने के लिए मूवी ही नहीं, घर के पास भी लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आए हैं। शाहरुख खान के फैंस ने चक्का जाम कर दिया है, देखिए रोड रोड पूरा जाम हो गया है, पुलिस मार के पब्लिक भगा रही है। तो गाइज यहाँ पर जवान टीम के सपोर्टर एंड प्रमोटर्स मिल गए हैं, जो लोग काफ़ी मेहनत किए हैं जवान के लिए। तो भैया ये बताइए जवान कैसी मूवी है? जवान एक नंबर मूवी है। कोई डायलॉग सुनाएंगे? हाँ एक डायलॉग शाहरुख भाई का अच्छा लगा है। कौन बेटे, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। मैम मिल गई मैम, जवान देखी आपने? जवान मैंने फर्स्ट डे देख लिया है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो? फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो कैसी लगी? शाहरुख सर की हर मूवी में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखती हूँ। और जवान तो आप बोल ही नहीं, सबको पता ही है क्या चल रहा है अभी जवान का। तो कितना कमा लेगी? माइंड ब्लास्टिंग। द मूवी वाज आउटस्टैंडिंग। कितना कमा लेगी? 1000 करोड़ से अबव। तो सबसे डाउट अबाउट दैट, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रॉस 1000+ crores। एंड शाहरुख सर के तो सारे फैंस हैं, आपको पता बिल्कुल, ही है। बिल्कुल शाहरुख भाई के तो पूरे दुनिया फैन हैं, दुबई तक लोग, दुबई ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। उसके अलावा उसमें सबसे अच्छी सीन कौन सी लगी? देखिए जो उनकी एंट्री है, मुझे लगता है बॉलीवुड में अब तक आई डाउट किसी की एंट्री इस तरह से की होगी, क्योंकि एटली ने जिस तरीके से उनका उनको डायरेक्ट किया है, उनको प्रेजेंट किया है, आई वुड से वो बेस्ट है। उसके अलावा एक संदेश उसमें दिया गया है जो वोटर्स के लिए, वो कैसा लगा आपको? वो बहुत बड़े संदेश है, वो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें टारगेट किया गया। वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, आई नो। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगी बहुत बेस्ट है। जवान के आप फैन लग रहे हैं, उसके अलावा देखिए जवान पूरा प्रिंट उन्ट करवा के घूम रहे हैं, तो जवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि 2000 करोड़ पार कर लेंगे ये फिल्म। 2000 करोड़ नहीं, 1000 का तो अनुमान है, 2000 अच्छा वो देंगे। उसके अलावा कोई इसका डायलॉग बताइए आप। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये कहीं ना कहीं एक तरह से समीन वानखेड़े अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई वो अपने ऊपर ले रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सर ने तो पिक्चर में एंटरटेनमेंट के लिए कहा है, तो वो अपने ऊपर लेंगे तो भाई हमको नेगेटिविटी नहीं करना है, हमको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सर पॉजिटिव है तो हमको उस बारे में कुछ बोलना नहीं है और ना कोई रिएक्शन देना है। ये बात बिल्कुल सही की शाहरुख भाई को सब लोग प्यार करते हैं। उसके अलावा माइंड ब्लोइंग मूवी है, उसके अलावा रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई। मूवी के बारे में तो नो वर्ड्स, इसको हम वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते भाई। ये 1500 करोड़, 2000 करोड़ या 2500 करोड़ कोई भी नंबर कर सकती भाई, ये कुछ नहीं बोल सकते। आज देखो संडे है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बट जवान डे हो गया है आज, एकदम पब्लिक यहाँ खचा का शाहरुख खान के घर के पास। हाँ आप देख सकते हो कितने न्यूट्रल ऑडियंस है यहाँ पे, ऑडियंस आप खुद ही देखते हैं। पूरी तरह लाठी यहाँ पर चल जाए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में लाठी पुलिस कैसे चला रही है। तो शाहरुख खान का इतना ज्यादा क्रेज है यहाँ पर, और शाहरुख खान के जो फैन है स्पेशली, ये लोग काफी मेहनत किए। कल शाहरुख खान ने इन लोगों को स्पेशल थैंक्स भी बोला है, आप लोगों ने देखा होगा। जी, इन लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो इन लोगों का भी योगदान है इसमें पूरा पूरा। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं साहब, मैं तो बोलना चाहूंगा कि जवान मूवी नहीं है, वो मूवी की मतलब मूवी की बात ही नहीं थी उसके अंदर। वो मूवी नहीं है, वो एक मतलब एक दिनचर्या है, वो
लोगों को सीख मिले उससे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सबसे बड़ी बात है शाहरुख खान ने जो अपील की है एक एक वोट आपका कीमती, ये बात वोट का तो छोड़ो, पर सबसे बढ़िया बात क्या है पता है क्या, शाहरुख सर ने जो किया है ना औरतों की इज्जत, जैसे वो सर हमारे पहले सिर्फ करते थे पर उसमें मूवी में अलग से बताया है कि औरतों की मतलब वैल्यू क्या होती है। सब में पहली बात तो कुल मिलाकर ये मूवी बॉलीवुड का इतिहास बदल देगी और लगातार बदल ही रही है। आज संडे है, आज खचाखच थिएटरों में जगह नहीं है, खाली नहीं कोई थिएटर, मैं देख रहा हूँ मुंबई का। उसके अलावा ये भाई भी बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो आप बोलो। मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, एक्चुअली मूवी इज बहुत माइंड ब्लोइंग है और मूवी का एक रीजन है कि ना उस पर मतलब एक हमें पॉलिटिकल व्यू से देखा गया है उसमें क्या वोट कैसे में कैसे चुनना चाहिए वो एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आई कि आपका एक एक और कीमती है, अगर कोई वोट मांगने आता है तो आप उससे पूछे हमारे बच्चों के लिए क्या करो, धर्म जात पे वोट मत दो। तो शाहरुख भाई ने एक 2024 चुनाव के लिए एक बड़ा सा संदेश दे दिया कि ऑडियंस के लिए, ये चीज बहुत अच्छी मुझे लगी। वोट के ऊपर ही नहीं है मूवी, आप देखोगे तो किसान के ऊपर भी है, जो विलेजेस सर्किट में होता है किसानों के ऊपर लोन देते हैं तो उनको कैसा लेते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो संदेश भी है। प्लस वो मेडिकल सेक्टर में क्या हुआ था वो भी उन्होंने कफील वाली जो घटना हुई थी उन्होंने वो भी हाईलाइट किया है। इसमें चार मैसेजेस है भाई। अब आप जैसा लोग आज के डेट में जो माहौल है, हमको धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए भाई। हम इंडियंस है, सब एक जैसे हैं, पहले हम ह्यूमन बीइंग है, हम सब इंडियंस है। तो ये जो मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ या सपोर्ट में नहीं हूँ, बट मैं इंडियन हूँ। तो सर ने जो कुछ भी किया है या पिक्चर में दिखाया है वो एकदम ट्रू है, और आज का यही सिचुएशन है भाई, हमको धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए भाई। मूवी का पर्पस है फर्स्ट वी शुड बी अब ह्यूमन Then comes religion. बिल्कुल बिल्कुल, पहले इंसानियत कट्टरवाद की तरफ नहीं जाना। उसके अलावा एक डायलॉग बोलना चाह रहा है, बेटे को हाथ लगाने से पहले पाप से बात कर। उसके अलावा ये लोग भी काफी मेहनत किए हैं, मैं लगातार इन लोगों को काफी दिनों से इनकी टीम को जानता हूँ, तो ये लोग काफी मेहनत किए हैं। उसके अलावा इन लोगों को भी श्रेय मिलना चाहिए। और आप लोगों ने जवान देखी कि नहीं देखी, अगर देखी है तो रिव्यू कमेंट्स में जरूर दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और उसका एक रीजन भी है, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, देन You can see how many people following them. बहुत से ऐसी जगहों पे हैं जहाँ भारत के बाद शाहरुख खान को की वजह से लोग जानते हैं कि हाँ, ये भी बात है। Nobody can him replace. Nobody can replace शाहरुख खान. Yes. Yeah, exactly. इंडिया को बहुत सी जगहों पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है शाहरुख खान। पहली बात, अगर इंडिया से बाहर आप जाओगे ना सर, तो वहाँ पर कैसा था पता है क्या, इंडिया को आपसे आपके नहीं पहचानते, इंडिया को पहचानते एसआरके के नाम से। अरे एसआरके का जो एसआरके क्या, हाँ एसआरके सर, बस मैंने कई सारे बाहर का देखा, वो जानते हैं इंडिया एसआरके तो काफी डाई हार्ड फैन मुझे मिले। उसके अलावा वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए। डाई हार्ड फैन है, हम हमारी वो जान है, हम उसकी जान है, वो भारत की शान है, वो हमारी जान है, बस शाहरुख खान, भारत की शान शाहरुख खान। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।